भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात प्रयागराज विद्युत विकास प्राधिकरण ने जावेद मोहम्मद के बहाने दूसरे के मकान को उन्होंने बुलडोज कर दिया। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर को 5 जेसीबी लगाकर 3 घंटे में गिरा दिया गया। जावेद मोहम्मद गिरफ्तार किए जा चुके हैं तो वहीं अब उनका परिवार सड़क पर आ चुका है। ये कहानी वो है जो कि आपको बताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे की असल कहानी, असल सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि कैसे सिर्फ बुलडोजर चलाने की जल्दी में योगी सरकार ने पूरा खेल किया है। योगी सरकार ने पूरा खेल किया है और जावेद मोहम्मद के घर के नाम पर किसी और के घर को गिरा दिया है। जी हाँ, किसी और के घर को गिरा दिया गया है। और अब जब सच्चाई सामने आई है तो योगी सरकार समेत पुलिस प्रशासन की खूब फजीहत हो रही है। क्या है पूरा खेल, वो तो हम आपको बताएंगे। पूरी रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। शुरुआत में सबसे पहले आपको वकील का बयान सुनाते हैं। वकील का बयान सुनिए कि कैसे योगी सरकार ने जो पूरा खेल किया है वो अब बेनकाब हो चुका है। बता दें कि आज तक की खबर सामने आई है कि जावेद के वकील बोले, प्रयागराज अथॉरिटी के पैसों से ही बनवाएंगे घर, गैर कानूनी तरीके से गिराया। तो गैर कानूनी तरीके से गिराया गया है, कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये तो आप सब जानते हैं और कई बार ऐसा हुआ है ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन इस बार योगी सरकार ने, प्रशासन ने कितना बड़ा खेल किया है आप जानकर सन्न रह जाएंगे। सबसे पहले आप बयान सुनिए कि वकील के राय क्या कहते हैं कि कैसे योगी सरकार बुलडोजर चलाने के चक्कर में अंधी हो चुकी है। भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जावेद मोहम्मद के बहाने दूसरे के मकान को उन्होंने बुलडोज कर दिया। जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम वो मकान था जो उनके पिता से गिफ्ट मिला था, और मुस्लिम परसनाल के प्रॉपर्टी के नियमों के अनुसार अगर प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम एक्सक्लूसिव ओनरशिप में है तो उसके हस्बैंड को उसका शेयर नहीं होगा। सारे कागजात जो मेरे पास हैं उसमें मकान के मालिक के तौर पर परवीन फातिमा दर्ज हैं और नोटिस इन्होंने जावेद मोहम्मद को दिया। जावेद मोहम्मद का वो मकान नहीं है। तो सुना आपने, वकील साहब 3 बातें कहते हैं, 3 सबसे अहम बातें कहते हैं। पहला कि जावेद मोहम्मद के बहाने किसी और का घर गिरा दिया गया। दूसरा कहते हैं कि मकान पत्नी परवीन फातिमा के नाम है, फिर भी जो नोटिस आया वो जावेद मोहम्मद के नाम पर दिया गया। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक जो जमीन है अगर वो पत्नी के नाम होती है तो उसमें पति का कोई शेयर नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद जावेद मोहम्मद के नाम पर नोटिस आता है, यानी कि सरकारी नोटिस जावेद मोहम्मद के नाम पर दिया जाता है और घर को गिरा दिया जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर किस हक से मकान को गिराया गया है। आपको आगे का वकील का बयान सुनाते हैं कि सुनिए कि उससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये पूरा खेल क्यों और कैसे किया गया है। पहले इस बयान को सुनिए, फिर उसके बाद आपको कोर्ट के जो वकील है उनका भी, कोर्ट के जो जस्टिस है, पूर्व जस्टिस है, उनका भी बयान सुनाएंगे और पूरा खेल बताएंगे। लेकिन पहले इस बयान को ध्यान से सुनिएगा। तो एक इस तरह के गैर कानूनी काम से एक भली गृहिणी को, महिला को और उनके छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने रातों रात बेघर कर दिया है, जिसकी कोई भी कीमत कोई समाज नहीं दे सकता है। आज वो बच्चे आसमान के नीचे पड़े हुए सिर्फ इसलिए कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक गलत मकान को, जो जिसको डिमोलिश नहीं होना चाहिए था। दूसरे, उन्होंने जो नोटिस दिया है वो बैक डेटेड नोटिस है, उसमें उन्होंने 20 मई और 10 मई का जिक्र किया कि हमने उनको नोटिस दिया, अवसर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने नोटिस सीधे सीधे 11 तारीख को 11 जून को उनके दरवाजे पर चिपका दिया। तो पूरा खेल समझिएगा, वकील साहब का कहना है कि बैक डेटेड नोटिस दिया गया है।
प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 20 या 10 मई को नोटिस दिया गया, जबकि वकील का कहना है कि ये नोटिस जो है ये बैकडेटेड है। बैकडेटेड यानी कि जैसे कि कल की तारीख का नोटिस आज आपको दे दिया जाए, कल की डेट पड़ी हो लेकिन आज आपको नोटिस थमाया जाए, वैसे ही बैकडेटेड नोटिस दिया गया है, यानी कि 20 मई का नोटिस बताया जा रहा है। 20 मई का नोटिस 11 जून को थमाया गया है, जब 10 जून को दंगे हुए जुम्मे की नमाज के बाद, जब हालात खराब हुए तब जावेद मोहम्मद का नाम सामने आया, उसके बाद ये नोटिस थमाया गया है और 5 जेसीबी लगाकर तुरंत 3 घंटे की कार्रवाई में घर को जमींदोज कर दिया गया है। और बता दें कि खबर के मुताबिक ये भी सामने आया है कि नोटिस दिया नहीं गया है बल्कि उसको घर पर चिपकाया गया है, क्योंकि परिवार का दावा है कि उन्हें किसी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल किया गया है। 20 मई की कार्रवाई बताई जा रही है, 20 मई को नोटिस बताया जा रहा है, घर 11 जून को गिरा दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो टाइमिंग को लेकर है कि जब 10 जून को दंगे हो गए, उसके मतलब हालात खराब हो गए, तभी आपको याद आया कि वहां पर तो अवैध निर्माण बना है, उसको भी गिराना है और वो भी जावेद मोहम्मद के नाम पर गिरा दिया गया, जबकि घर पत्नी के नाम है। तो आप समझ जाइए कि पति के नाम नोटिस देकर पत्नी के घर को गिरा दिया गया योगी सरकार की तरफ से। कैसे सरकारी एक्शन में ही खेल किया जा रहा है, पुलिसिया एक्शन में खेल किया जा रहा है, सिर्फ बुलडोजर चलाने में अंधी हो चुकी सरकार क्या कुछ कर रही है आप देख सकते हैं। बता दें कि वकील जो है उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहना है कि अगर सुनवाई नहीं हुई, फैसला नहीं आया जल्दी, तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसके साथ ही दावा है कि फिर से दोबारा से घर को सरकारी पैसों से बनाया जाएगा। बता दें कि इस पूरे मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने भी बड़ा बयान दिया है। इलाहाबाद के ही है, प्रयागराज से ही है, प्रयागराज जहां पर ये घटना को अंजाम दिया गया है, बुलडोजर को दौड़ा दिया गया है। यूपी सरकार को उन्होंने कानून का पाठ पढ़ाया है और कानून का पाठ पढ़ाते हुए जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा है कि, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। यदि यह मान भी लिया जाए कि उस घर को गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था, जैसा कि करोड़ों भारतीय इसी तरह से रहते हैं, मेन है, फिर भी यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आप उस घर को तोड़ दें जबकि वह व्यक्ति हिरासत में है। यहाँ कोई तकनीकी मामला नहीं है, ये कानून का सवाल है, संविधान का सवाल है और ये सवाल हर कोई उठा रहा है, लेकिन योगी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। योगी सरकार के लिए तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस लग रही है। संविधान और कानून को ताक पर रखकर सिर्फ बुलडोजर चलाया जा रहा है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि देश सिर्फ संविधान से चलता है बल्कि बुलडोजर से नहीं। पहले मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की कार्रवाई सामने आई, जिसमें पीएम आवास को गिरा दिया गया, बिना नोटिस के कार्रवाई की गई, पत्थरों के ढेर बना देंगे ऐसे बयान दिए गए, और अब उत्तर प्रदेश में वैसी ही कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इसमें पूरा कनेक्शन शाहीन बाग और सीए का भी निकाल दिया गया। जो जावेद मोहम्मद है उनकी बेटी जेएनयू में पढ़ती है, सीए प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी, बस इतना काफी है बुलडोजर चलाने के लिए। ना संविधान की जरूरत है, ना कानून की जरूरत है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि उनका परिवार कहाँ जाएगा। परवीन फातिमा, जिनके नाम वो घर है, वो कहाँ जाएंगी अपने बच्चों के साथ, जो कि अब सड़क पर आ चुकी हैं। अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल कार्रवाई कीजिए, हर चीज का कानून का रास्ता है, संविधान काम करता है, लेकिन ऐसी कार्रवाई तो ना कीजिए कि संविधान पर से ही लोगों का भरोसा उठ जाए। कैसी कार्रवाई की जा रही है, कैसे कानून का राज चल रहा है आप देख सकते हैं। इस कार्रवाई पर शर्म आनी चाहिए। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। योगी सरकार का जो बुलडोजर चल रहा है, कैसे खेल किया जा रहा है, प्रशासन पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर